Hello guys, how are you all? I hope that you all are fine by staying at home. Okay, so let's start the video. And before starting my video, I want to say you all to subscribe my channel, hit the bell icon button. And if you have any doubt, any query, so write in the comment section, okay? And I am Himanshi making this video. So let's start. In the previous video, I have told you that we will start the chapter 5, arithmetic progressions. And the chapters, those are left, means the chapter, for example, chapter 3 and chapter 4, these two chapters are left. But chapter 1 and chapter 2 is completed. So chapter 3 and chapter 4 videos will come after this chapter, okay? So stay with me till the end of the video. Let's start. So this is arithmetic progression, okay? Arithmetic progression, before starting my video, I want to clear your all the concept about arithmetic progression. Means in arithmetic sequence is there. What is sequence? I am saying sequence is there. What is the definition of sequence? Sequence, it is an arrangement of number in a definite order by the same value. ठीक है, it is an arrangement of numbers in a definite order by the same value. ये आपकी होती है क्या? ये आपकी होती है सीक्वेंस. ठीक है, चलो हमने सीक्वेंस के बारे में भी पढ़ लिया. ठीक है, अब आगे पढ़ते एग्जांपल कि भाई सीक्वेंस होता है यानी कि अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्डर. ठीक है, अरेंजमेंट होना ऑर्डर में किसकी, सेम वैल्यू. मानो आपकी, जैसे आप कर रहे हो 1, 4, 9, 16. ठीक है, ले लेते चलो एग्जांपल. अब एग्जांपल 1, 4, 9, 16 स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स. ये मैंने क्या लिख दिए, ये है स्क्वायर्स किसके, नेचुरल नंबर के. ठीक है, अब मैं नेचुरल नंबर के स्क्वायर बोल रही हूँ. अभी भी समझ नहीं आया, एग्जांपल ही एग्जांपल है. जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1. 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4. 9 का स्क्वायर क्या होता है, 3. और 16 का स्क्वायर क्या होता है, 4. यानी कि ये क्या है आपके, स्क्वायर है ऑफ नेचुरल नंबर्स. एग्जांपल अभी हम बाद में लेंगे, अब हम लेते हैं आपका एपी, मींस योर चैप्टर नेम. कि चैप्टर का मतलब क्या है भाई, चैप्टर कह रहा है, चैप्टर को समझने का नाम, चैप्टर के नाम को समझने से पहले आपको सीक्वेंस समझना होगा जो कि मैंने यार लिखा है. ठीक है, अगर आपको ये एक बार क्लियर हो जाता है ना अच्छी तरीके से, मान लो आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा. क्योंकि अर्थमेटिक को समझने से पहले सीक्वेंस समझ होना चाहिए, सीक्वेंस की समझ होनी चाहिए. ठीक है, अब अर्थमेटिक यानी कि आपका एपी समझते हैं. अब एपी क्या है, इट इज़ अ सीक्वेंस इन विच द फर्स्ट टर्म इज गिवन. इट इज़ अ सीक्वेंस इन विच द फर्स्ट टर्म इज गिवन एंड फिक्स्ड नंबर आर ऑब्टेंड बाय एडिंग अ फिक्स्ड वैल्यू, एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, यस फिक्स्ड नंबर टू प्रीसीडिंग टर्म. ओके, ये आपका होता है क्या, ये आपका होता है एपी. ठीक है गाइस, सो लेट फर्स्ट टर्म, अब हम यहाँ पे आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, आपकी एक टर्म है, सो द फर्स्ट टर्म इज 5 एंड फिक्स्ड टर्म इज
सेवन, ठीक है। फिक्स टर्म क्या है आपकी? सेवन। अब हमें क्या करना है आगे, फर्स्ट टर्म को क्या करना है? फर्स्ट टर्म हमें भी पता है, ठीक है, और फिक्स्ड टर्म पता है, यानी कि बीच की टर्म्स नहीं पता। मतलब आपका ये है, जैसे पोम लिखते हो ना, पोम, यानी कि फर्स्ट वर्ड लिख दिया और एकदम स्टार्ट लास्ट का स्टार्टिंग का वर्ड लिख दिया और एकदम एंड में जो है वर्ड वो लिख दिया और फिर नीचे समरी लिख दी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म दे रखी है और लास्ट टर्म दे रखी है, बीच के नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब कैसे करते हैं? फर्स्ट टर्म हमें पता है, ठीक है, तो सेकंड टर्म को क्या करेंगे, जो हमारी डेफिनेशन थी एपी की, सेकंड टर्म निकालने के लिए आपको फर्स्ट टर्म को ऐड करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करना पड़ेगा कि आपकी सेकंड टर्म आ जाए। कैसे? 5 + 7 इज इक्वल्स टू 12, और इस 12 के अंदर ही आपको क्या कर देना है, आपका लास्ट टर्म ऐड कर देना है, यानी कि 12 + 7 इज इक्वल्स टू 19। ओके, तो अब आपकी ये सेकंड टर्म भी आ गई और आपकी थर्ड टर्म भी आ गई। समझ आई बात? इस तरीके से कराना, ठीक है। अब आपकी एपी फॉर्म हो गई, मतलब आपको एपी के नंबर्स मिल गए सीक्वेंस में। वो भी कैसे मिल गए? देखो, 5, 12, 19, इन सब में कितना का गैप है? 7 का। तो ये 7 क्या है, इनका बीच का क्या है, डिफरेंस है, और डिफरेंस को हम इस चैप्टर के अंदर बोलते हैं डी, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। फिक्स टर्म इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर जो आपकी फिक्स टर्म, लास्ट टर्म जो थी, फिक्स्ड टर्म जो थी आपकी, उस टर्म को क्या कर दिया, अब आपकी क्या बन गई, वो ऐड करने के बाद इन दोनों में इनका डिफरेंस बन गई। उसी डिफरेंस को हमने इस चैप्टर में क्या बोल दिया है, कॉमन डिफरेंस। क्या बोल दिया है गाइस? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अगर मैं फास्ट जा रही हूँ तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मैं फास्ट जा रही हूँ, मैं धीरे बता दूँगी उसके लिए, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाई डी, यानी कि आपका जो ये कॉमन डिफरेंस है, ये बीच में जो नंबर सेवन है, सेवन इज नोन एज, सॉरी गंदी राइटिंग है बहुत, सेवन इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। it is denoted by d and its first term is denoted by, not first term, आपकी जो बीच की टर्म है इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। जो आपकी बीच की टर्म्स है ना, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। तो बीच की जो नंबर्स आए ना, 5, 12, 19, ही क्या है, आपके टर्म्स है, और इन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय डी, या आपका जो डी है कॉमन डिफरेंस, इसे डी बोलेंगे, और जो आपकी टर्म्स है इनको हम क्या बोलेंगे, एंड इट्स टर्म इज नोन एज ए, ठीक है, ए। और ये अभी क्या है आपका, ए वन, ये क्या है, ए टू, ये क्या है, ए थ्री, ठीक है, इस तरीके से। चलो, अब ये हमने पढ़ लिया, डिनोटेड किससे होते हैं टर्म्स को, डी, ए से, और जो बीच का डिफरेंस होता है उसे डी से बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस जो होता है उसे हम डी बोलते हैं। नाउ आई होप डैट यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब यहाँ पर आपका शुरू होता है फर्स्ट पॉइंट। क्या होता है फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफ फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, देन योर एपी इज ए एंड योर, अगर देखो यहाँ लिख देती हूँ पहले, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं इफ फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, then AP is a A plus D, A plus 2D, A plus 3D, ठीक है, और इससे क्या हो जाएगा, A plus X minus 1D,
हेयर योर ए प्लस एक्स माइनस वन, ये क्या है आपकी मैं अपने आप से बना रही हूँ पर लिखने दो, ठीक है उसके बाद बताती हूँ आपको। nth टर्म एंड योर और जनरल टर्म ऑफ ए पी ऑफ एन ए पी, ठीक है ये है मैंने क्या लिख दिया, मैं देखो एक बार ध्यान से क्या लिखा है मैंने, मैंने लिखा है इफ फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी देन ए पी इज आ इज ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी और एज एस एज एस करके फिर क्या लिखा है मैंने ए प्लस एक्स माइनस वन डी। ये आपकी क्या है, ये जो है यहाँ पर ये जनरल फॉर्म है किसकी, आपके चैप्टर की यानी कि ए पी की, ठीक है किसकी जनरल फॉर्म है ये ए पी की जनरल टर्म है, इट इज़ nth टर्म, इसे क्या बोलते हैं हम nth टर्म बोलते हैं, यानी कि जो लास्ट की टर्म होती है उसे हम ए एन डिनोट करते, क्या करते हैं लास्ट टर्म आपके क्या बोलते हैं हम इसे ए एन, इस तरीके से एन क्या है आपकी नंबर और ये क्या है आपका टर्म, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है आपके फॉर्मूला बनेगा अभी आपके, तो इसको इतना समझो पहले ए एन क्या है, ये जो आपका ये जो बना है आपका कैसे बन गया कैसे बना दिया ये बता रही हूँ मैं, ये मैंने ऐसे बना दिया जो आपकी लास्ट टर्म है यानी कि जो ये आई है ये आपकी एनथ टर्म है ए एन टर्म है, ठीक है ए एन कैसे है ये आपका ए मतलब टर्म एन मतलब नंबर यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, लास्ट में जो दे रखी होगी वो एकदम लास्ट टर्म होगी यानी कि इसमें आगे भी हो सकती है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए अब आ रही कौन सी एक्सरसाइज आएगी 5.1 पर, इससे पहले मुझे आपको बताना है आपके टर्म्स कैसे निकालते हैं आपको मतलब कैसे क्या करना है 5.1 के अंदर उसके लिए, ठीक है इट इज़ डिनोटेड बाय एन, ये तो मैंने बताई दिया आपको, ठीक है अब आगे बढ़ते हैं आपका इन ए पी कॉमन डिफरेंस, एक चीज़ बतानी है जो हमने डी अभी पढ़ा उसका फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का नाम क्या है, उस फॉर्मूले को बोलते हम फाइंड आउट डी मींस फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस, उस कॉमन डिफरेंस के लिए आपका क्या है यहाँ पर फॉर्मूला है यानी कि डी इज इक्वल्स टू ए टू माइनस ए वन, यानी कि जो आपकी ए टू दे रखी होगी ए वन दे रखी होगी माइनस कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा डी मिल जाएगा, ठीक क्या मिल जाएगा डी मिल जाएगा, ठीक है आप चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है रिलेटेड हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल मैंने ऐसे कोई भी ले लिया, ठीक है आप कुछ भी ले सकते हैं, हाँ चलो बस इतनी देर की, ठीक है अब आपके यहाँ पर एग्जांपल है ये, ठीक है एग्जांपल वन है एग्जांपल टू, दो एग्जांपल करेंगे उसके बाद सीधा एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो वर्ड है, वर्ड क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम्स है, ओके तो फाइव है आपका, ये क्या है फाइव यहाँ पर ए वन है, ए वन क्या है आपका फाइव है, ए टू क्या है आपका फोर है, ए थ्री क्या है आपका सेवन है, ए फोर क्या है आपका सिक्सटीन है, ओके गाइस अब यहाँ पर डी निकालना है, अब आपका बता देती हूँ पार्ट टू आएगा उसमें देख लेना, यहाँ पर डी निकालना है कैसे निकालोगे ए टू माइनस ए वन हो जाएगा, डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फोर माइनस फाइव, डी कितना आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा, बहुत बार सीक्वेंस में भी आ जाता है ऐसा क्वेश्चन आएंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आपको अच्छी तरीके, ठीक है यहाँ पर अगर कॉमन निकालना है देखना है कि कॉमन है कि नहीं है तो क्या कर दोगे ए थ्री माइनस ए टू कर दो, दोबारा क्या कर दोगे सेवन माइनस फोर कर दोगे थ्री हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर डी और भी निकाल सकते हो कैसे निकाल सकते हो 16 माइनस सेवन करके, 16 माइनस सेवन कितना होता है, अच्छा हाँ इसके लिए ट्रिक है देखो माइनस करने के लिए ट्रिक होती है 16 माइनस सेवन 10 माइनस सेवन कर दोगे 3 और 3 प्लस 6 कर दोगे तो 9 यानी कि आपको कितना आ जाएगा डी 9, ओके गाइस सो बाय बाय सब्सक्राइब माई चैनल हिट द बेल आइकन बटन ओके एंड कमेंट इट कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है पार्ट टू और लेकर आ रही हूँ मैं इसका नेक्स्ट अभी।